अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो एक नई अटैक की वीडियो के साथ हाज़िर हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जिस एक ऐप का रिव्यू करने वाले हैं जी, तो आपने इसके लिए करना क्या है जी, आपने अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे आ जाना है। यहाँ पर आपने चले जाना है जी प्ले स्टोर पे। यहाँ पर प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च के बार पर आपको नज़र आएगा जी सर्च बार। यहाँ पर आप सर्च करें कि कैम स्कैनर आपने ये लिखना है यहाँ पर। फिर आपने ये सर्च बार पे चले जाना है। यहाँ सर्च बार पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पहली ऐप नज़र आ जाएगी जी। तो ये है जी कैम स्कैनर के नाम से ये ऐप है। तो आज हम इस ऐप का रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस ऐप के क्या क्या फंक्शन है और आप जो है किस तरह इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये ऐप आपको जो है जी प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है जी। ये 81 MB की ये ऐप है। उसके अलावा 4.7 इस ऐप की रेटिंग है और 100 मिलियन प्लस इस ऐप के डाउनलोड हैं, यानी 100 मिलियन से भी ज़्यादा इस ऐप के डाउनलोड हैं। 3+ रेटेड है। तो इस ऐप को जब आप डाउनलोड कर लेते हैं जी, इसके अंदर फंक्शन कौन कौन से हैं जी, इसके अंदर है जी ट्रस्टेड बाय प्रोफेशनल्स PDF स्कैनर, फ्री टू स्कैन टू OCR PDF एडिटर। उसके अलावा इसमें जी स्कैन और डिजिटाइज एनी डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर आप जो है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आसानी से जो है स्कैन कर सकते हैं। उसके अलावा उसको आप डिजिटाइज भी कर सकते हैं, मतलब डिजिटली उसको किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप उसको कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जी ईजी फिल्टर फॉर मल्टीपल स्कैन। इसके अंदर जो है काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं, जिन फिल्टर्स का आप यूज़ करके जो है इसका जो स्कैनिंग का प्रोसेस है उसको बेहतर बना सकते हैं, जिसमें मेकअप है, टू टेक्स्ट है, करेक्शन है, साइनर है। ये प्रोसेस सारा आप जो है इस ऐप में इसमें यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा इस ऐप के अंदर जो है सेफ फाइल्स एज PDF और इमेजेस। तो आप इसमें अपनी फाइल्स को जो है PDF की सूरत या इमेजेस की सूरत में उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, उनको आप अपने पास रख सकते हैं इसमें। उसके अलावा मूव, कॉपी, रीनेम, डिलीट, मोर, तो ये सारे इसके अंदर फंक्शन है जिनका आप जो है इस ऐप में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा इसमें एक्सट्रैक्ट एंड एडिटेड टेक्स्ट विद OCR। अगर आप जो है किसी भी टेक्स्ट में आप एडिट करना चाहते हैं, आप देखते हैं कि वो टेक्स्ट में जो कि कुछ मिस्टेक्स हैं, आप सिंपली उसको वहाँ से कॉपी करें, उसके बाद आप यहाँ एडिट के ऊपर क्लिक करके आप उसको जो है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ID कार्ड बैकअप एंड असेस एनीवेयर। इसके साथ आप जो है ID कार्ड की जो ब्लर फोटोज़ होती हैं आप उनको भी जो है अच्छे तरीके से स्कैन कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए। तो ये इसका स्कैनिंग का सारा प्रोसेस है। उसके अलावा शेयर फाइल्स इजी कन्वीनियंट। तो आप अपने अपनी जो फाइल्स होती हैं उनको शेयर कर सकते हैं PDF की सूरत में, JPG की सूरत में। उसके अलावा इसमें लॉन्ग इमेजेस या एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, तो ये सारे प्रोसेस आप इस ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। उसके अलावा क्रिएट योर ओन डॉक्यूमेंट मैनेजर। इसके ज़रिए जो है आप अपना खुद का एक डॉक्यूमेंट मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए। तो ये सारे इस ऐप के फीचर्स हैं। उसके अलावा इसमें अबाउट दिस ऐप में जाते हैं तो इसके अंदर वो कह रहा है कि स्कैन पेपर वर्क इनटू PDF JPG जनरेट योर ओन सिग्नेचर एंड सेंड फैक्स आर ईमेल। उसके अलावा इसमें स्कैन डॉक्यूमेंट इनटू क्लियर एंड शार्प इमेजेस PDF टू ईमेल फिक्स फैक्स प्रिंट आर सेफ टू क्लाउड। द चॉइस ऑफ 400 मिलियन यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैम स्कैनर इज़ अ स्कैनर ऐप दैट हेल्प्स यूज़र स्कैन एडिट स्टोर एंड साइन कॉन्टैक्ट्स अक्रॉस स्मार्टफोन्स iPad टैबलेट्स एंड कंप्यूटर। ऑप्टिमाइज स्कैन क्वालिटी, ई सिग्नेचर। उसके अलावा इसमें एडवांस्ड एडिटिंग है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्राम इमेजेस। उसके अलावा आप इसको शेयर कर सकते हैं जी PDF JPG फाइल्स में। उसके अलावा कोलेबोरेशन है। सब्सक्रिप्शन, इसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में क्या है कि एडिटर्स OCR रिजल्ट एंड नोट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टिंग एज टेक्स्ट फाइल। क्रिएट डॉक्यूमेंट्स कॉलेजेस फॉर मल्टीपल पेजेस और 100 GB क्लाउड स्पेस, 40+ एक्स्ट्रा कोलेबोरेशन। उसके अलावा इंपोर्ट PDF टू कैम स्कैनर फॉर एडिटिंग, हाई स्टैंडर्ड फॉर ID एंड मोर, पेमेंट विल बी चार्ज्ड। तो इसके अलावा अगर हम आप ऐप इन्फो में जाएँ तो 6.44 इस ऐप का वर्जन है। 10 जुलाई 2023 में इसका लेटेस्ट अपडेट आया जी। उसके अलावा इस ऐप के अंदर जो है 100 मिलियन प्लस इस ऐप के डाउनलोड हैं और 81.38 MB की ऐप है। रिक्वायर्ड OS की बात करें तो एंड्रॉयड 8.0 एंड अप पे इसका, और आप इसका जो है पर एटम जो है
49 से आप 42,000 तक आप इसका पर एटम परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफर्ड बैक कैम्प सॉफ्ट इंफॉर्मेशन है, रिलीज्ड ऑन 30 अक्टूबर 2010 में ये रिलीज़ हुई थी। अगर आप इसकी ऐप परमिशन की बात करें तो इसमें कैमरा, स्टोरेज और अदर एडवर्टाइजिंग आईडी परमिशंस, रन फोरग्राउंड सर्विसेज, कंट्रोल वाइब्रेशंस, तो ये सारी चीज़ें जो है ये असेस करती है ये ऐप। उसके अलावा हैशटैग टॉप थ्री फ्री इन प्रोडक्टिविटी है, टूल्स, डॉक्यूमेंट स्कैनर, तो ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा इसमें अगर आप डेटा सेफ्टी की बात करें तो डेटा सेफ्टी स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग हाउ डेवलपर्स कलेक्ट एंड शेयर योर डेटा, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रैक्टिस में वेरी बेस्ड ऑन योर यूज रीजन एंड एज। तो इसके अंदर जी जो द डिवोल्पर सेज दैट डेटा दैट मे बी शेयर्ड विद अदर कंपनीज डिवाइस और अदर आईडीज़ का डेटा जो है जो अदर कंपनीज के साथ ये शेयर हो सकता है, जिसमें डिवाइस और अदर आईडीज़ आ जाती हैं, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग आ जाती है। डेटा कलेक्टेड की बात करें तो इसमें पर्सनल इन्फो जिसके अंदर ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह आ जाते हैं, ये सारा डेटा जो है ये असेस करती है। उसके अलावा फाइनेंशियल इन्फो का डेटा कलेक्ट करती है जिसमें परचेज हिस्ट्री आ जाती है, फूड फोटोज़ एंड वीडियोज़ का डेटा कलेक्ट करती है, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स का डेटा कलेक्ट करती है, ऐप इन्फो एंड परफॉर्मेंसेस, क्रैश लॉग्स, डायग्नोस्टिक्स का डेटा ये कलेक्ट करती है, डिवाइस एंड अदर आईडीज़ का डेटा कलेक्ट करती है। सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस की बात करें तो डेटा इज़ इनक्रप्टेड इन ट्रांसिट यानी योर डेटा इज़ ट्रांसफर्ड ओवर अ सिक्योर कनेक्शन। उसके अलावा इसमें यू कैन रिक्वेस्ट डेटा बी डिलीटेड, द डिवोल्पर प्रोवाइड्स अ वे फॉर यू टू रिक्वेस्ट डेटा बी डिलीटेड, तो इसके अंदर जो है आपका डेटा बाद में आप डिलीट भी करवा सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर अगर आप रेटिंग एंड रिव्यूज़ की बात करते हैं तो रेटिंग एंड रिव्यूज़ आर वेरीफाइड फ्राम पीपल हु यूज़ सेम टाइप ऑफ डिवाइस दैट यू यूज़, तो रेटिंग एंड रिव्यूज़ इसके काफ़ी सारे हैं जो कि वेरीफाइड हैं। तो इसमें कह रहा है आई नेवर रिव्यू एनी थिंग बिकॉज आई फील राइटिंग अ रिव्यू, स्टिल द बेस्ट स्कैनिंग ऐप, तो रियली ग्रेट ऐप इन जनरल, यूज टू बी स्मूथ। तो ये सारे इस ऐप के फीचर हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।